एनपीएस के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर साथियों जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है? अगर किसी ओपीएस वाले साथी को आप पूछोगे तो वो बोलेगा, अगर मेरे 3 बेटे हैं तो मेरा 34वां बेटा पेंशन है। अगर मेरे 3 बेटे मुझे जवाब दे देंगे, मेरा पालन पोषण नहीं करेंगे, तो मेरा 4वां बेटा पेंशन मेरा पालन पोषण करेगी। और वो पेंशन आपकी ताकत है, जो आपका स्वाभिमान है, आपका सहारा है। साथियों, जो ये एनपीएस कर्मचारियों पर थोपी गई है, ये कोई नमी स्कीम नहीं है। 1980 के दशक में यूरोप के देशों में ये स्कीम चलाई गई थी, और जब 2008 में मंदी का दौर आया तो उन कर्मचारियों का जिन्होंने ये स्कीम में आते थे बुरा हाल हो गया था। साथियों, उन्होंने अपने टीवी, घर, फ्रिज बेच के ही अपना पालन पोषण किया था। तो ये ऐसी स्कीम है साथियों, क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं होगा और हम उस टाइम लड़ भी नहीं सकेंगे? साथियों, तो आज हम सभी साथी युवा हैं, हम में ताकत है, हम लड़ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर विजय कुमार बंधु जी लड़ रहे हैं, अगर अमरीक जी लड़ रहे हैं, तो वो साथी आपकी ताकत पे लड़ रहे हैं, और इस ताकत को आपने पहचानने का काम करना है। इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आगे लेकर जाने का प्रोग्राम करना है। क्योंकि साथियों, जितनी मेरी समझ है, मैं उस समझ से आपको बता रहा हूँ कि एनपीएस तो एक पहला रूप है। जो हमारे साथी ने बताया कि आने वाले दिनों में ये जो पूंजीपति हैं, जो इस देश को चलाने का काम करते हैं, इस देश को लूटने का काम करते हैं, वो आपसे शिक्षा, रोजगार और सेहत भी फोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पंजाब में जो टीचर 40-45 हजार रुपए की नौकरी करता था, उसको 10-15 हजार रुपए ला दिया गया है। साथियों, ये तानाशाही रवैया है। 10-15 हजार में हमारा घर नहीं चल सकता, हमारा पालन पोषण नहीं हो सकता, और यही हालत जब हम रिटायर होंगे आपके सामने बिल्कुल उदाहरण है। साथियों, जो साथी रेलवे से रिटायर हो रहे हैं या बिजली विभाग से रिटायर हो रहे हैं, तो 1100-1200 रुपए पेंशन ले रहे हैं। तो सवाल ये बनता है, इसको समझना है कि अगर आज इतनी पेंशन लग रही है, तो जब हम रिटायर होंगे तो कम से कम आपको 5000 मिल जाएगी, 6000 मिल जाएगी, तो उससे क्या काम चलेगा? साथियों, ये एक तरह से पूरी तरह पूंजीपति की लूट है, और इस लूट को समझना है। क्योंकि अगर आज हम अपने कारखानों की बात करते हैं, आज हम अपने अदारों की बात करते हैं, तो 1990 के दशक में अगर मजदूर 100 रुपया पैदा करता था, तो 30 रुपया उसको दिया जाता था, उसकी मेहनत का उसको 30 रुपया दिया जाता था। लेकिन अगर आज हम ये बात करते हैं, अगर मजदूर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से 100 रुपया पैदा करता है, तो उसको 5 रुपया दिया जाता है। साथियों, 5 रुपया दिया जाता है, तो इस 5 रुपये में आपका घर, आपका परिवार नहीं चल सकता। साथियों, दूसरी बात ये है साथियों, 2016 में अगर पूंजीपतियों के पास 50% पैसा था, तो आज 73% पैसा उन पूंजीपतियों के पास इकट्ठा हो गया। साथियों, तो दूसरे पासे आपके पास सिर्फ 27% पैसा है, और ये 27% भी वो एनपीएस के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, प्राइवेट के माध्यम से आपसे लूटना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये कल्ली एनपीएस की लड़ाई नहीं है, इस भारत देश को, राष्ट्रवाद को बचाने की लड़ाई है। अगर हमारे कारखाने बचेंगे, अगर हमारी रेल बचेंगी, अगर हमारे विभाग बचेंगे, तभी हम एनपीएस की बात करेंगे और तभी हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हो, आपके बच्चे जो डिग्रियां कर रहे हैं, जो मास्टरी डिग्रियां कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, डिग्रियां कर रहे हो, चारों पासे बेरोजगारी का बोलबाला है। अगर उनको नौकरी मिल रही है, तो कोई 10,000 रुपए, कोई 5,000 रुपए उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री
वादा करते हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा एक साल में साथियों, पर आपको हैरानी होगी कि वो 2 करोड़ नौकरी तो क्या दे पाए, उल्टा 2 करोड़ रोजगार चला गया है साथियों। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो बेरोजगारी का आंकड़ा देने वाले विभाग थे वो भी खत्म कर दिए हैं। अभी आपके सामने आंकड़े लाए, आप बात ही ना कर पाओ कि हमारे बच्चे आने वाले दिन में कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रोजगार देंगे। तो आज की जो स्थिति है उसको समझना है, उसको अच्छी तरह से जान लेना है, नहीं तो अगर मैं आपको पंजाब की 2-3 उदाहरण दूंगा, जैसे हमारा बिजली बोर्ड चला गया है, जैसे हमारा BSNL चला गया है, तो आने वाले दिनों में इन सरकार की चाले है कि वो सभी सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, आप काबिले तारीफ है, ये लड़ाई आप अपनी जरूरतों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पेंशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि साथियों अगर आप लड़ रहे हैं तो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि NPS वो निजीकरण का पहला रूप है जो आपके सामने है। जो दूसरे रूप, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे भाई हो, जो कारखानों में ड्यूटियां करते हैं, जो डेली बेस पे काम करते हैं, उनको 10,000 पे दी जाती है साथियों, 16,000-18,000 डेली बेस की कीमत है, लेकिन उनका शोषण इतना होता है कि वो अपनी बात नहीं रख सकते। अगर आम में समझ है, आम में ताकत है, तभी आप ये बात, तभी आज यहाँ जंतर मंतर पर आप धरना लगाने आए हो। और मैं सलूट करता हूँ ऐसे साथियों को जो इतनी सर्दी होने के बावजूद, इतनी व्यस्तता होने के बाद आज इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो सभी साथी सलूट के हकदार हैं, आदर के हकदार हैं। और इसके साथ ही मैं इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के जुझारू साथियों को सलूट करता हूं कि जिसने कल दिल्ली से पुलिस के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने गिरफ्तारियां दी और आपको ये जंतर मंतर का स्थान दिया साथियों। ये वो स्थान है जहां से आपकी बात पार्लियामेंट तक जाएगी, पार्लियामेंट को छोड़ो आलवर्ड में जाएगी। इसलिए झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमारा हक है पेंशन। 2 तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक पेंशन की, एक देश को बचाने की, दूसरा आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, अगर रोजगार बचेगा, आपकी रेल बचेगी, आपका शिक्षा बचेगा, आपका मेडिकल बचेगा, तभी इस देश का मिडिल क्लास तरक्की करेगा, तभी इस देश को रोटी मिलेगी, तभी इस देश को तरक्की होगी। क्योंकि जो पैसा, चाहे आज टाटे की बात है, चाहे आज रिलायंस की बात है, अगर जो पैसा लेके उन्होंने तरक्की की है, तो वो पैसा आपका पैसा है, हमारे बाप दादों का पैसा है, ये कहीं से नहीं लेके आए हैं साथियों। क्योंकि जो आज कहते हैं कि कारखानों की भारत सरकार पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम पेंशन नहीं दे पाते, तो मैं ये आपके सामने एक आंकड़ा पेश करता हूँ कि कम से कम 11 लाख करोड़ रुपए NPA में डाल दिया है, उन पूंजीपतियों को NPA में डाला जा रहा है, और हमारे लिए पेंशन नहीं है, जो देश का विकास करते हैं, जो रेलें चलाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए साथियों वक्त का बहुत कम समय है, ज्यादा बातें हैं बोलने के लिए, तो मैं 2-4 नारों के साथ ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, NPS गो बैक, गो बैक, गो बैक, NPS। Oh!